एवरीवन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया कौन या पूर्व क्लास में पढ़ी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे सेल रो से स्केलेटन हिसाब से कार्य कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दि प्रकार रोचे गोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन या लिपिड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोजोम रोचे तो राइबोजोम कौन या प्रोटीन तैयारी करुच्छे। ओके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोजोम रोचे से प्रोटीन तैयारी करुच्छे। राइबोजोम भी देखी थे दि प्रकार राइबोजोम रोचे गोटे 70S आउ गोटे 80S। 70S सब स्मॉल ऑर्गेनिज्म जमी बैक्टीरिया भाइरस मान रोच 80S सब एनिमल्स मान रोचे ह्यूमन बीइंग मान रोचे जितक लार्ज एनिमल्स को आम देखिपुर सब 80S राइबोजोम रोचे। ओके एस है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जोटा कि दर्शाई थाए कि कौन सी भी लिक्विड रे तरल पदार्थ रे केते जल्दी सेटा बसुचे सेटा को शो करता है कौन एस जो सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। राइबोजोम दुई प्रकार रोचे गोटे 70S आउ 80S। 70S साधारण तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भाइरस मान देखा 80S सब अदर ऑर्गेनिज्म मान देखा। ओके आज पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कि डिस्कवर करते ऑल्टमैन ऑल्टमैन साइंटिस्ट डिस्कवर करते माइटोकॉन्ड्रिया। ओके माइटोकॉन्ड्रिया रे एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन जोटा कि वायवीय श्वसन कहा। ओके एरोबिक रेस्पिरेशन रे कौन थाए ऑक्सीजन प्रेजेंट रे आमर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन अम्लजान उपस्थित रे आमर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आमर जिते भी फूडटा ब्रेकडाउन कर खाद्य जो भांगूँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रे सेटा ब्रेकडाउन कले सेटा कहते एरोबिक रेस्पिरेशन सेटा को माइटोकॉन्ड्रिया जिते बताए सेटा को आमर कौन कहा क्रेब्स साइकिल बोली कहा जाए। ओके क्रेब्स साइकिल जो साइंटिस्ट हांस क्रेब्स तांकरी नाँ रहितला क्रेब्स साइकिल। ओके बुझे कि एरोबिक रेस्पिरेशन टा हिथाय माइटोकॉन्ड्रिया रे ता ऑक्सीजन प्रेजेंट रे हिथाय। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को किए आणुची ब्लड आणुची। ओके आमर लंग्स रु लंग्स बा फुसफुस रु जो एयर टा आसी आमर श्वासक्रिया बेले जो आमे एयर नौचंती से ऑक्सीजन को ब्लड आणिके माइटोकॉन्ड्रिया रे पहुंचाई थाय। से माइटोकॉन्ड्रिया रे ही आमर ब्रेकडाउन हिथाय फूड ब्रेकडाउन हिथाय ऑक्सीजन प्रेजेंस रे सेथिरु आमको एनर्जी मिलता है सेटा को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके वायवीय श्वसन कहा जाए से यही प्रोसेस को कौन कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रे क्रेब्स साइकिल कहा जाए। ओके क्रेब्स साइकिल रे आमर कौन ब्रेकडाउन हो कि फूड ब्रेकडाउन हो कि आमको एनर्जी मिलूँ। ओके एनर्जी मिलूँ एटीपी फॉर्म रे क्रेब्स साइकिल आमर केत एटीपी प्रोड्यूस हो 38टा एटीपी प्रोड्यूस हो। ओके ये कौन क्रेब्स साइकिल 38टा एटीपी प्रोड्यूस हो फूड ब्रेकडाउन हो आमको एनर्जी मिलूँ एनर्जीटा कौ फर्म मिलूँ एटीपी फर्म। ओके एटीपी जोटा कि तार फुल फर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी रो फुल फर्म। आमर क्रेब्स साइकिल 38टा एटीपी प्रोड्यूस हो जोटा कि आमर कौन एनर्जी हिसाब से एनर्जीटा आमर एटीपी हिसाब से प्रोड्यूस हो 38टा एटीपी जो प्रोड्यूस हो 38टा एटीपी को लेकिन आमर गोटे ग्लुकोज मॉलिक्यूल तैयारी हो। ओके आमर बॉडी रे जो जो फूड ब्रेकडाउन होचे तबे खाद्य ब्रेकडाउन होचे ब्रेकडाउन हे कि 38टा एटीपी प्रोड्यूस होचे 38टा एटीपी को ने कि गोटे ग्लुकोज तैयारी होचे। गोटे ग्लुकोज रे हमको केते एनर्जी मिलुचे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलुचे। ओके गोटे ही ग्लुकोज रो हमको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलुचे। आमको साधारणत दिन रे 2500 किलो कैलोरी भितरे हमको एनर्जी दरकार। साधारणत वुमेन मानक 2000 किलो कैलोरी दरकार होचे एवं मेन मानक 2500 किलो कैलोरी गोटे दिन रे दरकार होचे। ओके यार परिमाण भी भेरी करिवो जो माने अधिक फिजिकल एक्टिविटी करचोंदी शारीरिक कार्य माने अधिक करचोंदी सेमान पई किछ अधिक दरकार हे पारे। जो माने टिके फिजिकल एक्टिविटी कम करचोंदी बसिबारे अधिक अधिक बसुचोंदी जो माने सेमानकर कोन एनर्जी कम यूज होतबो तो तांका पई टिके कम कोन कम किलो कैलोरी रो एनर्जी दरकार हो तो यूजुअल तो 2000 किलो कैलोरी 2000 किलो कैलोरी वुमन मान दरकार हो 2500 किलो कैलोरी मेन मान यूजुअली गोटे दिन में दरकार होता है। ओके माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन टाइम देखुं ये जो इनर मेम्ब्रेन रही है यहाँ कौन कहा क्रिस्टे कहा। ओके ये देखिपुर थोड़ा क्रिस्टे भी लिखा है तार इनर मेम्ब्रेन को ये जो इनर मेम्ब्रेन टा रही है क्रिस्टे कहा। नेक्स्ट कह पावर हाउस कहीं आम देखुं माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी प्रोड्यूस हो क्रेब्स साइकिल द्वारा सेथिपाई माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहा पावर हाउस ऑफ द सेल कहीं माइटोकॉन्ड्रिया आम देखुं क्रेब्स साइकिल द्वारा 38टा एटीपी प्रोड्यूस हो एटीपी रु आमको ग्लुकोज मिलुचे गोटे ग्लुकोज रे केते किलो कैलोरी एनर्जी रोचे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रोचे। तो कहे कि
माइटोकोंड्रिया को आम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते कहीं यूर आमको यही माइटोकोंड्रिया रू हिं एनर्जी प्रोड्यूस हो कौ साइकिल द्वारा क्रेब्स साइकिल द्वारा क्रेब्स साइकिल कहाँ ना रही हांस क्रेब्स नामक जो साइंटिस्ट थे ना रही क्रेब्स साइकिल माइटोकोंड्रिया रे एरोबिक रेस्पिरेशन देखा एरोबिक रेस्पिरेशन रे कौन होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट था अम्लजान उपस्थित रे जो फूड ब्रेकडाउन होकर आमको एनर्जी मिलूँ सेटा को कौन एरोबिक रेस्पिरेशन कौन माइटोकोंड्रिया डिस्कवर किए करते ऑल्टमैन डिस्कवर करते ओके साधारणतः एनर्जी आमको गोटे दिन के दरकार हो 2000 किलो कैलोरी मिनिमम वोमेन मान 2500 किलो कैलोरी मेन मान जदि कौन भी ऑप्शन न थो तो खाली भी 2500 किलो कैलोरी भी थे सेटा को नहींपर ऑप्शन रे ओके तार इनर मेम्ब्रेन को कौन कहा इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोली कहा ओके नेक्स्ट होचे गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी रो ना देते कौन कामिलियो गोल्गी जो साइंटिस्ट से देते ना अनुसार होती गोल्जी बॉडी ओके से देखुं फ्लैट डिस्क शेप रो सब स्ट्रक्चर अच्छे जो साक लाइक स्ट्रक्चर अच्छे डिस्क शेप रो एगुड़ा कौन कहा सिस्टर्ना बोली कहा ओके जो फ्लैट डिस्क शेप रो स्ट्रक्चर अच्छे सिस्टर्ना कहा गोल्जी बॉडी मुख्य काम कौन रोचे जो खाद्य आम ब्रेकडाउन है आमको एनर्जी मिलूँ माइटोकॉन्ड्रिया रे से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प कर गोटे कोशिकार जो आम एनर्जी प्रोड्यूस होमर विभिन्न कोषर आमको एनर्जी दरकार होनर्जी को ट्रांसपोर्ट करिवारे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी रे ओके पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी रे मुख्यतः ट्रांसपोर्ट करिवारे एनर्जी को सेथिरे हेल्प कर गोल्जी बॉडी आम कौन दौड़े जितेबाला आम दौड़ से आम पाद में आमको अधिक एनर्जी दरकार होगा आम पढ़ुं कथ कहतेपाई आमको अधिक एनर्जी दरकार हो आम कौन आमर जहाँ भी ब्रेन में जितेक भी आम कार्य कर मेनली कंट्रोल कर ब्रेन कंट्रोल कर सब विभिन्न कार्य को तो ब्रेन को सब अधिक एनर्जी दरकार होके मेनली मुख्य काम रोचे गोल्जी बॉडी रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प कर विभिन्न कोशिकारे आमर जी जो आक्टिविटी अधिक जो कार्य जी अधिक कर अधिक एनर्जी दरकार होती कहीं लिखुची हाथ में अधिक एनर्जी दरकार हे कहीं दौड़ी ता पाद में अधिक एनर्जी दरकार हे तो आम कोशिकारे जो एनर्जी प्रड्यूस होटा गोल्जी बॉडी साहय से जगार ट्रांसपोर्ट हो जगह पहुँचुच्छी जहाँद्वारा कि आमको एनर्जी मिलूँ ओके एनर्जी मुख्यतः प्रड्यूस कर माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट करुच्च ताको पहुँचे से जगह किए गोल्जी बॉडी ओके जो जगह आम सेल रे दरकार ताको ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प कर गोल्जी बॉडी ओके सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम रो मुख्य काम है सेल डिविजन सेल डिविजन जो कोशिका विभाजन को आउछि सेंट्रोजोम ही आमको हेल्प हेल्प कर कोशिका विभाजन रे सेल डिविजन रे हेल्प कर सेंट्रोजोम ओके सेल डिविजन जो जगह अधिक कौन सेंट्रोजोम रोज से जगह अधिक सेल डिविजन हे जमीक आम पढ़ी कि सबुठ अधिक फास्टेस्ट सेल डिविजन हूँ कौटी लिभर में हूँ फास्टेस्ट सेल डिविजन तो लिभर में अधिक सेंट्रोजोम रोच स्लोएस्ट सेल डिविजन आम पढ़ी कि ब्रेन में होता है तो अति कम परिमाण सेंट्रोजोम कौन लिस्ट सेंट्रोजोम कम परिमाण सेंट्रोजोम रोचे कौटी ब्रेन में रोचे कहीं ना ये बहुत कम ही सेल डिविजन होता है सेल डिविजन क्या द्वारा हूँ सेंट्रोजोम द्वारा और सेंट्रो सेल डिविजन क्या कौन जितेबाला आमर कौन सी गोटे जगार बहुत सारा कोशिका अच्छे जदि किसी कोशिका मरी जाऊँच तो आखपाखर जो सेल कोशिका अच्छा से सब विभाजित होकर नुआ कोशिका तैयारी जो करा को आम सेल डिविजन कौन ओके गोटे कोशिका जदि नष्ट हो कौन सी भी कारण मरी जाऊँच आमर सेल साधारणत 14 रु 28 दिन भितर आम सब कोशिका कौन पुणी मरिके पुणी नुआ कोशिका तैयारी होता है तो से जितेबाला सेल कौन भी डाए कर तर आखपाखे जो सेल सब रोचे से सब कौन डिवाइड होता है से सब विभाजित होकर आम नुआ सेल प्रड्यूस होता है से जगार सेल को रिकवर करने से जगार से स्थान पूरण करने नुआ सब सेल डिवाइड होकर नुआ सेल तैयारी होके आखपाख सेल डिवाइड होकर नुआ सेल तैयारी होटा को आम कौन कौन सेल डिविजन देन वन सेल डाइज जितेबाला गोटे सेल मरी जाऊँच तार आखपाख सेल डिवाइड होकर नुआ सेल तैयारी करता कौन सेल डिविजन ओके कोशिका विभाजन बोले कौन सबुठ अधिक सेंट्रोजोम रोचे कौटे लिभर में अधिक सेंट्रोजोम रोचे तो लिभर में भी आम पढ़ी कि फास्टेस्ट सेल डिविजन सबुठ जल्दी सेल डिविजन होता है लिभर में लिभर में कौन से जितेबाला डैमेज होती कौन सी भी कारण तो तार फास्टेस्ट सेल डिविजन होती है लिभर में लिभर सेल आमर बहुत जल्दी रिकवर होता है लिभर में जदि भी केत किसी डैमेज हो तो लिभर जल्दी रिकवर करुच्छे तार फास्टेस्ट सेल डिविजन किंतु जितेबाला कौन सी पॉइजन सब्सटेंस कि अल्कोहल ओके कौन सी विषाक्त पदार्थ जो अधिक विषाक्त पदार्थ है कि अल्कोहल मद पीले यू कारण लिभर लिभर बहुत डैमेज होकर नष्ट हो जाए ओके से जगह लिभर आते रिकवर करें ओके नेक्स्ट कुछ की लिस्ट सबुठ कम सेंट्रोमियर रोज सेंट्रोजोम कौट रोचे ब्रेन रोचे तो से
ବ୍ରେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ। ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଥିବାରୁ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଧୀରେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ସେମିତି ଏଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଦେଖିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଟା ମେଓସିସ୍ର ଗୋଟେ ଆନାଫେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ଏଇଠି ସୋ କରୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ରେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଅନ୍ନେସେସରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକ୍ସେସ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ସେ ଅନ୍ନେସେସରି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେତିକି କୋଷିକା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେତିକି ଆମର ସେଲ୍ ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ତା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେଲ୍, ତାଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସେସ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ, ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଲେ ତା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଏରିଆରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଉ କି ଲେଗ୍ରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଆମର ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଷିକା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ କ'ଣ, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଆମର ଦେଖିଲେ କି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଏଣ୍ଡ ଗଲଜି ବଡି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ମେନଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ଅଲ୍ଟମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ 38ଟା ଏଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ, ଏବଂ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, 4.2 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଦରକାର ହେଉଛି 2000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି, ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି 2500 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି। ଓକେ, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଦେଇଥିଲେ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ନାମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଇଥାଏ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଯେଉଁ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ବାୟବୀୟ ଶୋଷଣ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମର ଫୁଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଏ। କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲରେ ଆମର କେତେଟା ଏଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, 38ଟା ଏଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। 38ଟା ଏଟିପିରୁ ମିଶିକି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଆମକୁ 4.2 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି। ଓକେ, 4.2 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ, ଅଲ୍ଟମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏତକ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗଲଜି ବଡି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍। ଗଲଜି ବଡିରେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ, ଗଲଜି ବଡି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲଜି ବଡି କ୍ୟାମେଲିଓ ଗଲଗି ନାମକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲଜି ବଡିର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କିଏ କରୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ମେନ୍ କାମ କରୁଛି ଗଲଜି ବଡି। ଓକେ, ଗଲଜି ବଡି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଫୁଡ଼୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ। ଏବଂ ଗଲଜି ବଡିରେ ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଷ୍ଟର୍ନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ସିଷ୍ଟର୍ନା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ, ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍। ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି। ଲିଭର୍ରେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଅଧିକ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଲିଭର୍ରେ, ସେଠି ଅଧିକ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର୍ ରହୁଛି। ସେମିତି କମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ କେଉଁଠି କମ୍ ରହୁଛି, ବ୍ରେନ୍ରେ କମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ, ଧୀରେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍, ସବୁଠୁ ଧୀରେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବା ଅନ୍ନେସେସରି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍କୁ, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ଅନ୍ନେସେସରି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ବା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ସେଲ୍ କ'ଣ ଡାଏ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମରିଗଲେ ତା ପାଖରେ ଯେତେକ ବି ସେଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇକି ନୂଆ ସେଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ।